Good morning, friends. Now we start with the fourth element of directing, that is communication. किसी भी मैनेजर या लीडर को सक्सेसफुल बनने के लिए प्रॉपर कम्युनिकेशन आना चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए ताकि वह अपने प्लान्स और पॉलिसीज अपनी टीम को समझा सके और उनसे काम करवा सके. सो कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, फीलिंग्स एक्सेट्रा बिटवीन टू और मोर पर्संस टू रीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग. कम्युनिकेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें उन सभी चीज़ों का मिक्स होता है जिससे आप अपनी आइडियाज, प्लानिंग किसी दूसरे पर्सन को समझा सकें. नाउ वी सी फीचर्स. इट इज अ सोशल प्रोसेस बिकॉज देयर आर टू और मोर पर्संस इन्वॉल्व इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. सेकेंड इज टू वे प्रोसेस. केवल सेंडर ने इंफॉर्मेशन रिसीवर को सेंड कर दी, इससे कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती. रिसीवर को वह इंफॉर्मेशन समझ के कुछ रिप्लाई करना चाहिए, एक्शन करनी चाहिए, फीडबैक देना चाहिए कि उसे यह इंफॉर्मेशन रिसीव हो चुकी है. सो इट इज अ टू वे प्रोसेस बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर. द थर्ड इज परवेसिव फंक्शन. हर लेवल का मैनेजर कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन अपने नेक्स्ट लेवल से करता है. सो इट इज अ परवेसिव फंक्शन. द फोर्थ इज कंटिन्यूस प्रोसेस. इट कीप्स ऑन गोइंग टू कम्युनिकेट विद वन अनदर. सो इट इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस. नाउ द फिफ्थ इज कॉमन अंडरस्टैंडिंग. सेंडर ने इंफॉर्मेशन जिस सेंस में रिसीवर को सेंड की है, उसी मीनिंग, उसी सेंस में रिसीवर को यह इंफॉर्मेशन समझ में आनी चाहिए. सो देयर शुड बी अ कॉमन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस. नाउ वी स्टार्ट विद द कम्युनिकेशन प्रोसेस. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस इज सेंडर. सेंडर इज द पर्सन हु वॉन्ट्स टू कन्वे हिज थॉट्स, फीलिंग्स, फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन टू द रिसीवर. He passes the message. Message is the content of that thought, that information, facts and figures which the sender wants to inform to the receiver. Encoded. Encoded is the translation of the message into words, numbers, figures, graph, pictures, gestures. जैसे आपने किसी मैसेज को किसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दिया, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल. अब रिसीवर को यदि वह लैंग्वेज समझ में आती होगी तभी वह उसे पढ़ पाएगा. जैसे क्रिमिनल्स की भी डिफरेंट कोडेड लैंग्वेज होती है जो उनके रिसीवर को ही केवल समझ में आती है. सो एनकोडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Then, media is the path, channel, way of communication. जैसे communication oral हो सकता है, written, letter writing, telephone के through हो सकता है या internet के through हो सकता है. So that is the media, path, channel of passing the message. Now decoding. The encoded message is decoded by the receiver. Decoding means उस translated message को read करना. जैसे यह ग्राफ इंग्लिश लैंग्वेज में है, सो इंग्लिश यदि आपको पढ़नी आती है, इन वर्ड्स का मीनिंग पता है, तो आप इसे पढ़ पाएंगे. नाउ एरोज आर मेड, ग्राफ इज मेड. यदि आपको डेटा हैंडलिंग आती है तो आप कम्युनिकेशन प्रोसेस को बहुत ही सिंपल वे में इस ग्राफ के थ्रू समझ पाएंगे. सो दैट इज डीकोडिंग. जैसे कोई मैसेज तमिल लैंग्वेज में लिखा है लेकिन आपको तमिल नहीं आती, तो इस मैसेज को डिकोड करने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए, पढ़ने के लिए आपको एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर की जरूरत होगी. नाउ रिसीवर. रिसीवर इज द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज. लेकिन केवल मैसेज रिसीव करने से कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होती, इसमें फीडबैक बहुत जरूरी है. फीडबैक का मतलब है रिसीवर ने यह मैसेज पढ़ा, उसे समझा और उसका फीडबैक दिया, यानी कोई एक्शन दिया, कोई एक्सप्रेशन, कोई जेस्टर्स, कोई इंफॉर्मेशन फिर से सेंडर को पास ऑन की, जिससे सेंडर को यह पता चले कि रिसीवर को यह मैसेज मिल चुका है और उसे समझ में भी आ चुका है. जैसे आपकी क्लास में जब टीचर कुछ एक्सप्लेन करती है तो आपके एक्सप्रेशन, नॉडिंग ऑफ नेक,
फेशियल जेस्ट एक्सप्रेशन से यह समझ में आता है कि आपको यह कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका है. सो द कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट्स व्हेन द सेंडर गेट्स द फीडबैक. नाउ वी स्टार्ट विद चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. इट इज द पाथ थ्रू विच इंफॉर्मेशन फ्लोस फ्रॉम सेंडर टू द रिसीवर. सेंडर से रिसीवर तक इंफॉर्मेशन पास ऑन करने के पाथ को ही हम कहते हैं चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन. नाउ देयर आर टू मेन चैनल्स, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फॉर्मल कम्युनिकेशन मीन्स ऑफिशियल कम्युनिकेशन जो ऑर्गेनाइजेशन में सुपीरियर सबॉर्डिनेट के बीच में या फिर सेम लेवल एम्प्लॉयज के बीच में होता है, जिसमें एक सुपीरियर अपने ऑर्डर इंस्ट्रक्शन सजेशंस अपने सबॉर्डिनेट को देता है. इसके साथ ही सबॉर्डिनेट अपने सजेशंस कंप्लेंट्स सुपीरियर तक पास ऑन करता है. या फिर ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए दो डिफरेंट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज के बीच में कम्युनिकेशन होता है. सो दैट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन. नाउ वी सी क्लासिफिकेशन ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. इट कैन बी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, अपवर्ड कम्युनिकेशन, हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन एंड द फोर्थ डायगोनल कम्युनिकेशन. वी सी डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फर्स्ट. डाउनवर्ड कम्युनिकेशन में सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को ऑर्डर इंस्ट्रक्शन सजेशंस पास ऑन करता है. सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को मीटिंग की डेट इन्फॉर्म करता है. साथ ही सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को यह ऑर्डर दे सकता है कि टाइम पर काम कंप्लीट हो जाना चाहिए. सो दिस इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम सुपीरियर टू सबॉर्डिनेट ऑलवेज. नाउ द सेकेंड इज अपवर्ड कम्युनिकेशन. इसमें सबॉर्डिनेट अपने सुपीरियर के साथ कम्युनिकेशन करता है, मैसेजेस पास ऑन करता है, जैसे सबॉर्डिनेट के सजेशंस ग्रीवेंसेस हो या सबॉर्डिनेट को लीव लेनी हो तो लीव एप्लीकेशन या उसने अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सुपीरियर को सबमिट की. सो दिस इज अपवर्ड कम्युनिकेशन फ्रॉम सबॉर्डिनेट टू द सुपीरियर. नाउ द थर्ड इज हॉरिजॉन्टल और लैटरल कम्युनिकेशन. इसमें दो मैनेजर सेम लेवल के होते हैं लेकिन उनका डिपार्टमेंट अलग अलग होता है. जैसे प्रोडक्शन मैनेजर और मार्केटिंग मैनेजर दोनों ही मिडल लेवल मैनेजर्स हैं. अब ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए हर डिपार्टमेंट को आपस में कम्युनिकेशन करना जरूरी है. जैसे प्रोडक्शन मैनेजर कैन डिस्कस द इश्यूज रिलेटेड टू प्रोडक्शन एंड सेल विद द मार्केटिंग मैनेजर. This communication is very important to maintain coordination. Now the fourth communication is diagonal communication. यह communication दो अलग अलग department के अलग अलग level के persons के employees के बीच में होता है. जैसे foreman operational level lower level manager है. इसने डायरेक्टली कम्युनिकेशन मार्केटिंग मैनेजर से किया. मार्केटिंग मैनेजर मिडल लेवल मैनेजर है. दोनों ही अलग डिपार्टमेंट के. जैसे फोरमैन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का लोअर लेवल मैनेजर है और मार्केटिंग मैनेजर मार्केटिंग डिपार्टमेंट का मिडल लेवल मैनेजर है. सो जब भी कम्युनिकेशन स्पीडअप करना हो तब हम डायगोनल कम्युनिकेशन यूज कर सकते हैं. लेकिन इसमें फोरमैन के सुपीरियर यानी मिडल लेवल मैनेजर प्लांट सुपरिंटेंडेंट को यह बुरा लग सकता है कि कम्युनिकेशन उसके थ्रू होने की जगह डायरेक्टली डायगोनल कम्युनिकेशन हुआ है. सो दीज आर द फोर वेज ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन. नाउ वी सी नेटवर्क्स ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन. देयर आर वेरियस नेटवर्क्स इन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बट वी सी फ्यू फेमस नेटवर्क्स. द फर्स्ट इज सिंगल चेन नेटवर्क. इस नेटवर्क में हर सुपीरियर अपने इमीडिएट सबॉर्डिनेट को मैसेज पास ऑन करता है. जैसे ए मैसेज पास करेगा बी को, बी पास करेगा मैसेज सी को और सी यह मैसेज अपने सबॉर्डिनेट डी को पास ऑन करेगा. ऑर्गेनाइजेशंस में थ्री लेवल्स ऑफ मैनेजर्स होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड ऑपरेशनल लेवल. हर सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को मैसेज पास ऑन करते हैं. यस नेटवर्क हमें प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन में देखने के लिए मिलता है.
द सेकेंड इज व्हील नेटवर्क. इस नेटवर्क में मान लीजिए ए सुपीरियर है और उसके सबॉर्डिनेट्स है बी सी डी एंड ई. सबॉर्डिनेट्स कैन कम्युनिकेट विद द सुपीरियर ए एंड थ्रू ए. इसका मतलब सबॉर्डिनेट्स अपने सुपीरियर के साथ तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, इसके साथ ही अपने कलीग्स के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उन्हें मैसेज पहले सुपीरियर ए को पास ऑन करना होगा. इसका मतलब वे सुपीरियर के थ्रू कम्युनिकेशन कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली अपने कलीग्स से कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. हियर द सुपीरियर ए इज हैविंग द सेंट्रल अथॉरिटी. ही एक्ट्स लाइक अ हब ऑफ द विल. इन सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस वी फाइंड विल नेटवर्क. द थर्ड इज सर्कुलर नेटवर्क. इस यह नेटवर्क एक सर्कल में मैसेजेस पास ऑन करता है. एवरी पर्सन कैन पास द मैसेज टू हिज एडजॉइनिंग टू कलीग्स. जैसे ए कोई भी मैसेज अपने टू एडजॉइनिंग कलीग्स बी और सी को ही पास ऑन कर सकता है. बी कोई भी मैसेज ए और डी को ही पास ऑन कर सकता है. ई कोई भी मैसेज सी और डी को ही कम्युनिकेट करेगा. मीन्स द मैसेजेस मूव इन अ सर्कल. द कम्युनिकेशन इज वेरी स्लो इन सर्कुलर नेटवर्क. द फोर्थ इज फ्री फ्लो कम्युनिकेशन. इस नेटवर्क में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती. कोई भी मेंबर किसी के भी साथ या सभी के साथ कभी भी कम्युनिकेशन कर सकता है. सो द कम्युनिकेशन इज वेरी फास्ट इन फ्री फ्लो नेटवर्क. द लास्ट इज इन्वर्टेड वी नेटवर्क. इन दिस नेटवर्क सपोज बी एंड सी आर सबॉर्डिनेट्स. सबॉर्डिनेट्स अपने इमीडिएट सुपीरियर ए के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं. इसके साथ ही वे अपने सुपीरियर ए के सुपीरियर के साथ भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं. इसका मतलब बी और सी सुपीरियर ए को कोई मैसेज पास कर सकते हैं या फिर ए का बॉस डी है उसे भी यह मैसेज बी और सी पास ऑन कर सकते हैं. सो दिस इज इन्वर्टेड वी नेटवर्क. फ्रेंड्स, ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में आपने फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के फीचर्स मेरिट्स लिमिटेशंस डिटेल में पढ़े. तो हम इसे फिर से रिवाइज नहीं करेंगे. इस टॉपिक के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन दोनों में दे दूंगी. वी क्विकली रिवाइज इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में इनफॉर्मल ग्रुप्स क्रिएट हो जाते हैं. यह सोशल इंटरेक्शन और फ्रेंडशिप के कारण क्रिएट होते हैं. यह ग्रुप्स आपको ब्रेक टाइम में देखने के लिए मिलेंगे. यह ग्रुप्स अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, फैमिली प्रॉब्लम्स भी अपने फ्रेंड्स कलीग्स के साथ शेयर करते हैं. इनमें जो कम्युनिकेशन होता है उसे ही कहते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन या फिर ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन. ग्रेपवाइन यह वर्ड वाइनयार्ड से आया है. वाइनयार्ड इज अ प्लेस वेयर ग्रेप्स आर मैन्युफैक्चर्ड. इट इज अ क्रीपर हु डोंट नो फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट्स एंड वेयर इट विल एंड. इसी तरह इनफॉर्मल ग्रुप्स में भी जो कम्युनिकेशन होता है उसकी स्टार्टिंग और एंड पता ही नहीं होता कि किसने सबसे पहले यह मैसेज दिया, किसने इस मैसेज को डिस्टॉर्ट किया, इसमें कुछ कंटेंट ऐड या डिलीट किया और यह मैसेज किस वे में कहां पर जाकर एंड होगा इसका पता ही नहीं चलता. इसलिए हम इस कम्युनिकेशन को ग्रेपवाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं. नाउ वी सी नेटवर्क्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. द फर्स्ट इज सिंगल स्ट्रेंड. फ्रेंड्स, यह सिंगल चेन के समान ही दिखता है लेकिन यहाँ पर जो कलीग्स होते हैं उनमें सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप नहीं होता. ए किसी भी दूसरे पर्सन बी को यह मैसेज पास ऑन करता है. बी सिक्वेंस में किसी एक पर्सन को यह मैसेज पास ऑन करता है. सो सिंगल स्ट्रेंड में मैसेजेस सिक्वेंस में पास ऑन होते हैं. नाउ वी सी गॉसिप नेटवर्क. गॉसिप नेटवर्क में कोई एक इंडिविजुअल पूरे ग्रुप को कोई मैसेज नॉन सिलेक्टिव बेसिस पर पास ऑन करता है. जैसे ब्रेक टाइम में जो ग्रुप साथ में बैठा था उन सभी को यह मैसेज एक्स से मिल गया. मीन्स एक्स हैज नॉट डिसाइडेड whom the message should be given. Now, the probability network. Probability network में जैसे A happened to see B, so A has given the message to B. इसके बाद B, C और D से मिला
तो उसने यह मैसेज सी और डी को दे दिया. नाउ देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी चांस दैट एवरीबॉडी विल नॉट गेट द मैसेज एंड सो एक्स इज लेफ्ट हियर. नाउ द फोर्थ इज क्लस्टर नेटवर्क. In this network, an individual passes the message to whom he trusts. जैसे A X Y Z पर विश्वास करता है तो उसने यह मैसेज केवल X Y Z को ही दिया. U पर A विश्वास नहीं करता, ट्रस्ट नहीं करता, तो उसने यह मैसेज U को नहीं दिया. So this cluster network is very important in grapevine communication. Friends, I hope you have understood all the networks of communication under formal and informal organization. Now, if you like this video, like, share and subscribe my channel. Thank you.